सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर बिबल्स नर्सिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर हम नॉर्सेट के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम सबसे पहले आप सभी तक पहुंचाएंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्रीवियस ईयर्स में भी इन्होंने क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि इन्होंने किसी भी नोट की पिक्चर दी हुई थी एंड इन्होंने पूछा था कि इसके पीछे कौन सी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बनी हुई है। सो इसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फर्स्ट पिक जो हमारी है वो है 10 रुपी नोट की एंड इसके पीछे क्या बना हुआ है आप देख सकते होगे, सन टेंपल कोणार्क। ठीक है, ऐसा आपको कोई भी नोट की आपको पिक शो कर दी जाएगी एंड ऑप्शंस में लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा उन्होंने, जैसे कि रेड फोर्ट और सन टेंपल मंगलयान ऐसे लिखा होगा, तो आपने सन टेंपल को टिक करना है। ठीक है, एंड 10 रुपीज़ नोट के पीछे किसकी पिक लगी हुई है, सन टेंपल, एंड ये कहाँ पर स्थापित है, कोणार्क में। ठीक है, एंड देन आ जाता है 20 रुपी नोट, एंड 20 रुपी नोट में किसकी पिक लगी हुई है, एलोरा केव्स औरंगाबाद, एंड ये इसकी भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड देन हम मूव ऑन करते हैं 50 रुपी नोट, एंड 50 रुपी नोट पर किसकी पिक्चर बनी हुई है, स्टोन चैरियट ऑफ हम्पी, एंड ये कहाँ पर स्थापित है, ये कर्नाटका में स्थापित है। ठीक है, वो ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं कि ये जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है ये कहाँ पर स्थापित है, तो आपने याद रखना है कि ये कर्नाटका में स्थापित है। ठीक है, स्टोन चैरियट ऑफ हम्पी कर्नाटका में स्थापित है, या फिर आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि स्टोन चैरियट ऑफ हम्पी जो भी है, ठीक है, स्टोन चैरियट ऑफ हम्पी मॉन्यूमेंट जो है, ठीक है, वो किस नोट पर बना हुआ है। ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है कि वो 50 रुपीज़ नोट पर बना हुआ है। ठीक है, तो आपने इसको रिमेम्बर कर लेना है। तो ऐसे ही हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर है 100 रुपी नोट, एंड 100 रुपी नोट पर किसकी पिक्चर बनी हुई है, रानी की वाव गुजरात में। ठीक है, रानी की वाव गुजरात में स्थापित है, तो इसकी 100 रुपी नोट पर पिक्चर बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं। एंड देन हम मूव ऑन करते हैं 200 रुपी नोट। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, 200 रुपी नोट की उन्होंने पिक्चर शो की हुई थी एंड उन्होंने पूछा था कि इस पर कौन सा हिस्टोरिकल मोनूमेंट बना हुआ है, तो ये सांची स्तूपा है। ठीक है, एंड सांची स्तूपा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में ये स्थापित है एंड आप देख सकते हैं। एंड देन 500 रुपी नोट की पिक्चर आ गई है एंड इसके पीछे किसकी पिक्चर लगी हुई है, तो ये है रेड फोर्ट दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में स्थापित है रेड फोर्ट, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो उसकी पिक्चर इन्होंने 500 नोट पर लगाई हुई है। एंड प्लीज़ आगे मूव होने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो को शेयर कर देना आपके जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड्स जो इस साल नॉर्सेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने एग्ज़ाम देना है, सो प्लीज़ उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना। एंड लास्ट वन इज़ 2000 रुपी नोट। तो अब तो ये इन्होंने इसकी करेंसी तो इन्होंने बंद कर दी है, लेकिन देख ही लेते हैं हम इस पर भी कौन सी पिक्चर बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है मंगलयान। ठीक है, तो इस पर मंगलयान की पिक लगी हुई है एंड ये 2000 रुपी नोट है एंड प्रीवियस ईयर में इन्होंने जो इवनिंग शिफ्ट थी उन्होंने ये 2000 रुपी नोट की पिक्चर शो की हुई थी एंड ऑप्शन में लिखा हुआ था मंगलयान। ठीक है, तो अगर आपको इस ईयर भी आपको पूछते हैं तो आपने मंगलयान पर टिक करना है, तो आप देख सकते होंगे ये मंगलयान है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो को अपने जो भी न्यू फ्रेंड्स हैं आपके, ठीक है, तो उनसे शेयर कर देना। ठीक है, जो भी इस ईयर नॉर्सेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।